हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। और वो इंटरेस्टिंग है क्या, हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव को चार नए अंदाज में सीखने वाले हैं। और वो चार नए अंदाज है क्या, वन बाय वन में चार वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये पहला वीडियो है जिसमें वर्ब ऑफ टू हैव को मैं एक डिफरेंट अंदाज में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बेसिक अलग होता है और डिफरेंट अंदाज अलग होता है, लेकिन मैं बेसिक से ही डिफरेंट अंदाज को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस सीरीज में मैं चार वीडियो बनाऊंगा। वर्ब ऑफ टू हैव को चार तरह से कैसे बनाया जाता है, उसमें ये चार वीडियो होंगे, जिसमें ये पहला वीडियो है वर्ब ऑफ टू हैव एक नए अंदाज में। दूसरा वीडियो फिर एक नए अंदाज में होगा, तीसरा वीडियो फिर एक नए अंदाज में होगा, और चौथा वीडियो फिर एक नए अंदाज में होगा कि हम वर्ब ऑफ टू हैव को चार अलग-अलग नए अंदाज में कैसे बना सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ यही तरीका जानते हैं वर्ब ऑफ टू हैव को बनाने का, लेकिन और भी तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं, हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में वर्ब ऑफ टू हैव के एक नए अंदाज में एक वर्ब ऑफ टू हैव को सीखते हैं कुछ नए सेंटेंस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पटेल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट की। वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज हैव, इसको हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब, या बोलते हैं फुल वर्ब्स, या बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। तो इसकी जो लेक्सिकल वर्ब है वो हैज हैव है, पास्ट की हेड है, और फ्यूचर की आप देख सकते हैं विल हैव या शैल हैव है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब वर्ब ऑफ टू हैव होता क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिलती है, कर्ता के पास कुछ। अब ये वर्ब ऑफ टू हैव बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। अगर हम व्यक्ति के रिलेशन दर्शाना हो, व्यक्ति की बीमारियों को दर्शाना है, व्यक्ति की मेंटल कंडीशन को दर्शाना हो, व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन को दर्शाना हो, व्यक्ति के स्वामित्व को दर्शाना हो, व्यक्ति के अधिकार को दर्शाना हो, मतलब कर्ता के, इन चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। अब कर्ता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में कुछ कर रहा होता है, ऐसा वर्ड जिसके माध्यम से, वो वर्ड जो सेंटेंस में कुछ कर रहा होता है, या वह वर्ड जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा वर्ड सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो सेंटेंस में कुछ कर रहा होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसके सब्जेक्ट कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको हम एकवचनकर्ता बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हम बहुवचनकर्ता बोलते हैं। ये हम लोगों को पता है, इसलिए मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट आते ही शी इट नेम, पर इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही सब्जेक्ट आएंगे, और भी ऐसे सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, माय फादर, योर मदर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, हिज बॉस, माय कलीग, माय सपोर्टर, माय हेल्पर, हिज बॉस, है ना, माय सर्वेंट। तो जो गिनती में एक-एक है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही बोलते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी और दे, और इनके अलावा वो सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होंगे, जैसे माय ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, देयर रिलेटिव्स, हिज फ्रेंड्स, है ना, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, जो एक से ज्यादा होंगे उसको हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं अभी आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझाने जा रहा हूं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। मेरे पास पेन है, आपके पास मार्कर है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, उसके पास लाइसेंस है, मेरे पास डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, उसके पास प्राइवेट जॉब है, आपके पास टैलेंट है, मेरे पास स्मार्टनेस है, उसके पास क्वालिटी है, उसके पास बाइक की चाबी है, आपके पास कार का लाइसेंस है, उसके पास पासपोर्ट है, मेरे पास डिग्री है, आपके पास बैंक की पासबुक है, आपके पास स्मार्ट माइंड है, आपके पास शार्प माइंड है। ये सभी सेंटेंस वर्ब ऑफ टू हैव में आते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ये भी टू हैव में आ सकता है। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स है, ये भी टू हैव में आ सकता है। बोर्ड का कलर व्हाइट है, ये भी टू हैव में आ सकता है। घड़ी का कलर ब्लैक है, ये भी टू हैव में आ सकता है। जैसे मैं बोलूं उसमें ईमानदारी है, ये भी टू बी में आ सकता, टू हैव में आ सकता है। तो हम लोग टू हैव में बहुत डिफरेंट तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कैसे, पहले बेसिक से लेकर आपको आगे तक ले चलूंगा। बेसिक, जैसे मेरे पास मोबाइल है, सो आई हैव मोबाइल। अब देखिए यहां पर दो तरह के हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। अब हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है, एक्चुअली ये वीडियो बनाया हुआ है मैंने एडवांस स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक स्टूडेंट्स जो देखना चाहते हैं डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर भी क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हो तो आप
प्रीवियस वीडियोस में जाकर वर्ब ऑफ टू हैव को प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में आराम से देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत शांति से बिल्कुल धीरे धीरे समझाया हुआ है, लेकिन वो स्टूडेंट जो एडवांस हो चुके हैं, जिन्होंने बेसिक पढ़ लिया है, उनके लिए वीडियो है, वो इस वीडियो को देखकर जल्दी से समझ सकते हैं। अब हैज और हैव कहां लगे लगता है हमें बताने की जरूरत नहीं है। हैज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे मेरे पास कार है सो आई हैव कार, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है सो यू हैव बैंक बैलेंस, राम के पास डिग्री है सो राम हैज डिग्री, हमारे पास कॉन्फिडेंस है सो वी हैव कॉन्फिडेंस, उनके पास टीम भावना है सो दे हैव टीम स्पिरिट, राजीव सर के पास टैलेंट है सो राजीव सर हैज टैलेंट। जैसे मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है सो आई हैव कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है सो यू हैव गवर्नमेंट जॉब, तुम्हारे भाई के पास प्राइवेट जॉब है, योर ब्रदर हैज प्राइवेट जॉब। अब योर ब्रदर हैज क्यों लगा, क्योंकि योर ब्रदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स के पास एनर्जी है, स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है सो स्टूडेंट्स हैव एनर्जी। जैसे मेरे पास नया जॉब है सो आई हैव न्यू जॉब, तुम्हारे पास हुनर है या मैं बोलूं टैलेंट है सो यू हैव टैलेंट, मोहन के पास करने के लिए बहुत सारे काम है सो मोहन हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तुम्हारे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारा मटेरियल है सो यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू टीच, मेरे पास टीचिंग स्किल है सो आई हैव टीचिंग स्किल। दोस्तों इसके अलावा मुझे अगर सेंटेंस बनाने हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स है सो क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, मोबाइल में बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स है मोबाइल हैज मैनी लेटेस्ट फीचर्स, तुम्हारे पास अगर मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं अगर मैं बोलूं बोर्ड में व्हाइटनेस है, इस बोर्ड में व्हाइटनेस है, दिस बोर्ड हैज व्हाइटनेस, इस घड़ी का कलर काला है तो दिस वॉच हैज ब्लैक कलर, दिस वॉच हैज ब्लैक कलर। भारत में 28 राज्य हैं सो इंडिया हैज 28 स्टेट्स, क्या बनाया इंडिया हैज 28 स्टेट्स। मुझे बनाना है कार में चार पहिए होते हैं सो कार हैज फोर व्हील्स, गाय की चार टांगे होती है द काउ हैज फोर लेग्स, मेरी जैसे मैं बोलूं ऋतिक रोशन की चार उंगलियां और दो अंगूठे हैं सो ऋतिक रोशन हैज फोर फिंगर्स एंड टू थंब, सो ऋतिक रोशन हैज फोर फिंगर्स एंड टू थंब्स, है ना। जैसे मैं बोलूं शिव जी की तीन आंखें हैं लॉर्ड शिवा हैज थ्री आईज, ब्रह्मा जी के चार सिर हैं लॉर्ड ब्रह्मा हैज फोर हेड्स, है ना, रावण के 10 सिर है द रावण हैज 10 हेड्स, हनुमान जी की पूछ है लॉर्ड हनुमाना हैज टेल, टेल मतलब पूछ। तो ऐसे सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कार में पेट्रोल है या कार में डीजल है व्हाटएवर, सो कार हैज पेट्रोल या कार हैज डीजल, तो मैं पावर है यू हैव पावर, ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब इसको पांच में कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे पास कार है सो आई हैव कार, मेरे पास कार नहीं है सो आई हैव नो कार, क्या मेरे पास कार है सो हैव आई कार, मेरे पास कार क्यों है सो ये WH की जगह Y रख दो Y हैव आई कार, किसके पास कार है हु हैज कार, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है सो यू हैव बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है यू हैव नो बैंक बैलेंस, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है हैव यू बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस क्यों है सो Y Have you bank balance? किसके पास bank balance है? Who has bank balance? मेरे पास confidence है. I have confidence. मेरे पास confidence नहीं है. I have no confidence. क्या मेरे पास confidence है? Have I confidence? मेरे पास confidence क्यों है? Why have I confidence? किसके पास confidence है? So who has confidence? तुम्हारे पास 10,000 रुपए है. You have 10,000 rupees. तुम्हारे पास 10,000 रुपए नहीं है. So you have no 10,000 rupees. क्या तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं? Have you 10,000 रुपीस? तुम्हारे पास 10,000 रुपए क्यों हैं? So why have you 10,000 रुपीस? और किसके पास 10,000 रुपए हैं? Who has 10,000 रुपीस? मुझे बोलना ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हैं। Train has 400 passengers. ट्रेन में 400 पैसेंजर्स नहीं हैं। Train has no 400 passengers. क्या ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हैं? Has train 400 passengers? ट्रेन में 400 पैसेंजर्स क्यों हैं? So why has train 400 passengers? दोस्तों इसमें पांचवा नहीं बनता, who pattern नहीं बनता, क्योंकि स्टार्ट हुआ है ट्रेन सब्जेक्ट से, ट्रेन हैज, अब ट्रेन एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है जिसका हु नहीं बनेगा। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं सो मोबाइल हैज मैनी फीचर्स, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं सो मोबाइल हैज नो मैनी फीचर्स, क्या मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं सो हैज मोबाइल मैनी फीचर्स, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स क्यों हैं सो व्हाई हैज मोबाइल मैनी फीचर्स, हु वाला नहीं बनेगा क्योंकि मोबाइल यहां पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को पास्ट में सेंटेंसेस बनाना सीखना हो, क्या होगा पास्ट का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मेरे पास कार थी, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, राम के पास डिग्री,
थी, उसके पास लाइसेंस था, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, आपके पास पावर था, उसके पास बैंक बैलेंस था, आपके पास सेविंग्स थी, मेरे पास ऑप्शन था, आपके पास डॉक्यूमेंट थे, उनके पास एप्लीकेशन थी। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे उनके पास एप्लीकेशन थी, दे हैड एप्लीकेशन, मेरे पास बैंक बैलेंस था, सो आई हैड बैंक बैलेंस, राम के पास कॉन्फिडेंस था, सो राम हैड कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास एनर्जी थी, सो यू हैड एनर्जी। ऐसा हम बना सकते हैं। अभी इसी को पांचों में बनाना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार थी, सो आई हैड कार, मेरे पास कार नहीं थी, सो आई हैड नो कार, क्या मेरे पास कार थी, सो हैड आई कार, मेरे पास कार क्यों थी, सो व्हाई हैड आई कार, किसके पास कार थी, सो हु हैड कार। अब दोस्तों हम लोग यहां समझ सकते हैं, हैड वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसलिए हम लोगों को सिंगुलर और प्लूरल का यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैंने बोला जैसे कार में चार लोग हैं, द कार चार लोग थे, सो कार हैड फोर पीपल, कार में चार लोग नहीं थे, सो कार हैड नो फोर पीपल, क्या कार में चार लोग थे, हैड कार फोर पीपल, कार में चार लोग क्यों थे, सो व्हाई हैड कार फोर पीपल। इसका हु पैटर्न नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कार, और कार एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट मतलब निर्जीव सब्जेक्ट में हम लोग हु पैटर्न नहीं बना सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम के पास प्रॉपर्टी थी, सो राम हैड प्रॉपर्टी, राम के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, सो राम हैड नो प्रॉपर्टी, क्या राम के पास प्रॉपर्टी थी, हैड राम प्रॉपर्टी, राम के पास प्रॉपर्टी क्यों थी, व्हाई हैड राम प्रॉपर्टी, और किसके पास प्रॉपर्टी थी, तो हु हैड प्रॉपर्टी। जैसे तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, सो यू हैड कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, सो यू हैड नो कम्युनिकेशन स्किल, क्या तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, सो हैड यू कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल क्यों थी, सो व्हाई हैड यू कम्युनिकेशन स्किल, किसके पास कम्युनिकेशन स्किल थी, सो हु हैड कम्युनिकेशन स्किल। अब बुक में 200 पेजेस थे, क्या बोला मैंने, बुक में 200 पेजेस थे, ये भी टू हैव में बनेगा, सो बुक हैड 200 पेजेस, बुक में 200 पेजेस नहीं थे, बुक हैड नो 200 पेजेस, क्या बुक में 200 पेजेस थे, सो हैड बुक 200 पेजेस, बुक में 200 पेजेस क्यों थे, सो व्हाई हैड बुक 200 पेजेस। अब किस में 200 पेजेस थे, हम नहीं बनाते, सो सिर्फ इसके चार ही बनेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बुक से स्टार्ट हुआ था, और बुक एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, निर्जीव सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसका हु पैटर्न नहीं बनाते। जैसे मैं बोलूं बोर्ड में व्हाइटनेस है, बोर्ड में व्हाइटनेस थी, अब नहीं है, ऐसा है ना, बोर्ड में व्हाइटनेस थी, बोर्ड हैड व्हाइटनेस, बोर्ड में व्हाइटनेस नहीं थी, बोर्ड हैड नो व्हाइटनेस, क्या बोर्ड में व्हाइटनेस थी, सो हैड बोर्ड व्हाइटनेस, बोर्ड में व्हाइटनेस क्यों थी, सो व्हाई हैड बोर्ड व्हाइटनेस। अब मुझे बनाना है मोबाइल में फीचर्स थे, सो मोबाइल हैड फीचर्स, मोबाइल में फीचर्स नहीं थे, सो मोबाइल हैड नो फीचर्स, क्या मोबाइल में फीचर्स थे, सो हैड मोबाइल फीचर्स, मोबाइल में फीचर्स क्यों थे, सो व्हाई हैड मोबाइल फीचर्स। मेरे माइंड में कंफ्यूजन था, मेरे माइंड में, माय माइंड हैड कंफ्यूजन, मेरे माइंड में कंफ्यूजन नहीं था, माय माइंड हैड नो कंफ्यूजन, क्या मेरे माइंड में कंफ्यूजन था, हैड माय माइंड कंफ्यूजन, मेरे माइंड में कंफ्यूजन क्यों था, सो why had my mind confusion था, why had my mind confusion, who pattern नहीं बनेगा क्योंकि my mind एक non living subject में ही count होगा। जैसे मैंने पंखे के तीन blades हैं, पंखे की तीन पंखुड़िया है, पंखुड़िया थी, सो फैन हैड थ्री ब्लेड्स, पंखे की तीन पंखुड़िया नहीं थी, फैन हैड नो थ्री ब्लेड्स, क्या पंखे की तीन पंखुड़िया थी, हैड फैन थ्री ब्लेड्स, पंखे की तीन पंखुड़िया क्यों थी, सो व्हाई हैड फैन थ्री ब्लेड्स। ऐसे भी बना सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो होगा कैसे, मेरे पास जॉब होगा, आपके पास सक्सेस होगी, उसके पास 10,000 रुपए होंगे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगा, मोहन के पास प्राइवेट जॉब होगा, आपके पास सिंसियरिटी होगी, मेरे पास ईमानदारी होगी, मेरे पास इस काम को करने के लिए प्लान होगा, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल हैव, तो आप विल हैव कहां लगेगा, शैल हैव कहां लगेगा, आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। शैल हैव तभी लगता है जब हमारे सब्जेक्ट आई और वी होंगे, और विल हैव तब लगता है जब आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, तो वहां उनके साथ हम लोग लगाते हैं will have। जैसे मेरे पास जॉब होगा, सो आई शैल हैव जॉब, राम के पास डिग्री होगी, सो राम विल हैव डिग्री, तुम्हारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, सो यू विल हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, मेरे पास इस काम को करने का टाइम होगा, सो आई शैल हैव टाइम टू डू दिस वर्क, आपके पास स्टैमिना होगा, सो यू विल हैव स्टैमिना, तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल होगी, सो यू विल हैव प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है ना दोस्तों, उसके पांचों बनाए जा सकते हैं। मेरे पास कार होगी, सो आई शैल हैव
कार, मेरे पास कार नहीं होगी, सो आई शैल नॉट हैव कार। क्या मेरे पास कार होगी, सो शैल आ गया, शैल आई हैव कार। मेरे पास कार क्यों होगी, सो व्हाई शैल आई हैव कार। किसके पास कार होगी, सो हु शैल हैव कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, अभी नहीं है कोई बात नहीं, आगे होगा, सो यू विल हैव बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, सो यू विल नॉट हैव बैंक बैलेंस। क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, सो विल यू हैव बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस क्यों होगा, सो व्हाई विल यू हैव बैंक बैलेंस। किसके पास बैंक बैलेंस होगा, सो हु विल हैव बैंक बैलेंस। जैसे मैं बोलूं मेरे पास सक्सेस होगी, मेरे पास सफलता होगी, सो आई शैल हैव सक्सेस। मेरे पास सक्सेस नहीं होगी, सो आई शैल नॉट हैव सक्सेस। क्या मेरे पास सक्सेस होगी, सो शैल आई हैव सक्सेस। मेरे पास सक्सेस क्यों होगी, सो व्हाई शैल आई हैव सक्सेस। और किसके पास सक्सेस होगी, सो हु शैल हैव सक्सेस। हम ऐसा भी बना सकते हैं, मोबाइल्स में बहुत सारे फीचर्स होंगे, सो मोबाइल विल हैव मैनी फीचर्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स नहीं होंगे, मतलब ये मोबाइल के पास होते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमको ऐसा बनाना होता है और हम ऐसे बना भी सकते हैं। सो मोबाइल विल नॉट हैव मैनी फीचर्स। क्या मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होंगे, सो विल मोबाइल हैव मैनी फीचर्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स क्यों होंगे, सो व्हाई विल मोबाइल हैव मैनी फीचर्स। और किस में बहुत सारे फीचर्स होंगे, बनता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। अब जरा सुनना, जैसे मैं बोलूं इंडिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, इंडिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, तो इंडिया के पास होंगे वो, सो इंडिया विल हैव मोर देन 135 करोड़ पीपल। इंडिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं होंगे, सो इंडिया विल नॉट हैव मोर देन 135 करोड़ पीपल। क्या इंडिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, सो विल इंडिया हैव मोर देन 135 करोड़ पीपल। इंडिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग क्यों होंगे, सो व्हाई विल इंडिया हैव मोर देन 135 करोड़ पीपल। जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट होंगे, अभी नहीं है ठीक है होंगे पर, सो क्लास विल हैव 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, सो क्लास विल नॉट हैव 40 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 40 स्टूडेंट्स होंगे, सो विल क्लास हैव 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स क्यों होंगे, सो व्हाई विल क्लास हैव 40 स्टूडेंट्स। पांचवा नहीं बनेगा। डैग में समर में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सो डैग विल हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स इन समर। डैग में समर में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, सो डैग विल नॉट हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स इन समर। क्या डैग में समर में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सो विल डैग हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स इन समर। डैग में समर में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्यों होंगे, सो व्हाई विल डैग हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स इन समर। तुम्हारे पास टाइम होगा, सो यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम क्यों होगा, सो व्हाई विल यू हैव टाइम। किसके पास टाइम होगा, सो हु विल हैव टाइम। दोस्तों कुछ सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाकर देखते हैं। मेरे पास कार है, सो आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। क्या मेरे पास कार है, हैव आई कार। मेरे पास कार क्यों है, व्हाई हैव आई कार। किसके पास कार है, हु हैज कार। मेरे पास कार थी, सो आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। क्या मेरे पास कार थी, हैड आई कार। मेरे पास कार क्यों थी, सो व्हाई हैड आई कार। किसके पास कार थी, हु हैड कार। मेरे पास कार होगी, सो आई शैल हैव कार। मेरे पास कार नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव कार। क्या मेरे पास कार होगी, शैल आई हैव कार। मेरे पास कार क्यों होगी, सो व्हाई शैल आई हैव कार। किसके पास कार होगी, सो हु शैल हैव कार। ठीक है, अब मुझे बोलना है क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स नहीं है, क्लास हैज नो 40 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, हैज क्लास 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स क्यों है, व्हाई हैज क्लास 40 स्टूडेंट्स। पांचवा नहीं बनेगा। क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, क्लास हैड 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स नहीं थे, क्लास हैड नो 40 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, हैड क्लास 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स क्यों थे, व्हाई हैड क्लास 40 स्टूडेंट्स। किस में 40 स्टूडेंट्स थे, नहीं बनेगा। क्लास में 40 स्टूडेंट्स होंगे, सो क्लास विल हैव 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, क्लास विल नॉट हैव 40 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 40 स्टूडेंट्स होंगे, विल क्लास हैव 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 स्टूडेंट्स क्यों होंगे, व्हाई विल क्लास हैव 40 स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ब ऑफ टू हैव का नया अंदाज समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं बनाने वाला हूं चार नए नए अंदाज में वर्ब ऑफ टू हैव से सेंटेंस बनाना सिखाना। अगर
अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश को डिटेल में, अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो, तो ये जो वीडियोस है ना उनको दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, पूरे सेंटेंसेस देखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, आप इनको बोलते बोलते ही बहुत सारे सेंटेंसेस में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज एक तरीका, कल फिर एक नया तरीका, परसों फिर एक नया तरीका, फिर एक और तरीका, ऐसे हम नए नए चार तरीके सीखने वाले, जिसमें से पहला तरीका मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पे, चाहे वो फेसबुक स्टेटस हो चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करें, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें और इन चैनल और चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।